क्वेश्चन ये है कि आर रेडियस का एक डिस्क है और उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। पॉइंट पी एक्सिस पर है और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिस्क पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब है कि किसी गिवन रेडियस के लिए डिस्क पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे कि डिस्क में एक रिंग कंसीडर करेंगे, उस रिंग की वजह से पॉइंट पी पर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करके हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो क्या करते हैं कि सेंटर से स्मॉल आर रेडियस पर एक रिंग कंसीडर करते हैं, इस रिंग का जो थिकनेस है वो डी आर होगा। दिस थिकनेस इज इक्वल टू डी आर। हम देख सकते हैं कि रिंग पर हर एक पॉइंट के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है, विच इज ए आर स्क्वायर। ठीक है, सो वी हैव डी क्यू, दैट इज स्मॉल चार्ज ऑन द रिंग इक्वल टू, ये हो जाएगा एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस रिंग का जो एरिया है वो जाएगा टू पाई आर इंटू डी आर, टू पाई आर इंटू डी आर, ये हो गया एरिया। एंड डी क्यू विल बी एरिया इंटू सिग्मा, दैट इज ए आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी हैव डी ई, दैट इज स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंटल रिंग एट पॉइंट पी, ये हो जाएगा के डी क्यू इंटू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाई यूजिंग द रिजल्ट। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेटिंग वी हैव E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ K इंटू एक्स, यहाँ पर जो X है वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ स्मॉल r वेरिएबल है, X जो है वो कॉन्स्टेंट है। हो गया के एक्स इंटू डी क्यू, दैट इज टू पाई ए इंटू आर क्यू डी आर, आर क्यू डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वो जाएगा 0 टू कैपिटल आर। ठीक है, तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ये जो है वो कॉन्स्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू के एक्स इंटू टू पाई ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यू डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए एज्यूम करते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर के इक्वल है। लेट दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, मतलब है कि पहले हमारा वेरिएबल स्मॉल आर था, अब जो है वो हमारा वेरिएबल जेड हो गया है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा 2RDR, एक्स कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस 0 इक्वल टू जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2ZdZ। ठीक है, 2 कैंसिल, सो वी हैव
आर डी आर इक्वल टू जेड डी जेड, ठीक है। तो क्या करते हैं कि k की वैल्यू पुट करते हैं, k इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से पाई पाई कैंसिल एंड दिस इंप्लाई दैट e इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए एक्स डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट इन टू इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यू को लिखते हैं आर स्क्वायर इंटू आर। तो जो आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा आर डी आर एंड आर डी आर इज इक्वल टू जेड डी जेड, ठीक है, डिवाइड बाई दिस इज जेड स्क्वायर, सो वी हैव जेड स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू इक्वल टू जेड क्यूब, ये हो जाएगा जेड क्यूब, ठीक है। अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगेन लिमिट पुट करते हैं। तो जब स्मॉल आर ज़ीरो होगा, यहाँ पर जो लिमिट है वो स्मॉल आर का है, तो जब स्मॉल आर ज़ीरो होगा उस केस में जेड की वैल्यू एक्स के इक्वल होगी, ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। अगेन जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल होगा उस समय जेड की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका अपर लिमिट हो जाएगा रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा जेड क्यू इज इक्वल टू ए एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर डी जेड फ्रॉम एक्स टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया था जेड क्यू, जेड क्यू बाई जेड क्यू इक्वल टू वन, और यहाँ पर एक जेड कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इंप्लाई दैट ई इज इक्वल टू ए एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट इन टू ये हो जाएगा जेड, लिमिट पुट करते हैं एक्स ए रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है कॉमन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू पावर माइनस टू डी जेड विच इज इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू पावर माइनस टू डी जेड जाएगा जेड टू पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन दिस इज माइनस वन बाई जेड, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस रे हो गया वन बाई जेड, और अगेन इसका लिमिट पुट कर देते हैं एक्स से रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ए एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा दिस माइनस दिस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
बाई एक्स, ठीक है। सो फाइनली वी हैव इक्वल टू, तो यहाँ पर एक्स हो गया एक्स माइनस एक्स, माइनस टू एक्स हो जाएगा। सो दिस इज ए एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है। तो इसको अगर ऐड कर लें तो फाइनली हो जाता है ए एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट इन टू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है। तो ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।